हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। धूप अब 6:30 बज रहे हैं, धूप अभी तक निकला नहीं। देखो गाइस, मैं कैसे ब्रेकफास्ट करता हूँ। रोटी है, अंदर भुजिया भरा हुआ है। यार बच्चों वाली फील आती है मुझे, बहुत मज़ा आता है। 9:30 हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करते करते वीडियो भी बना रहा हूँ। ये देखिए कैसे ब्रेकफास्ट मैं करता हूँ। फिलहाल 2 रोटी खा लिया हूँ और ये तीसरा रहा। ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ। तो मैं रेडी हो गया हूँ दोस्तों, जाना है मुझे एक जगह जिसका नाम है डाक बंगला। चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं पटना का एक मशहूर जगह जिसका नाम है डाक बंगला। फिलहाल तो मुझे एक दोस्त से मिलना है, उसके साथ ही जाऊंगा। तो देख रहे हो कैसा कर रखा है। देख लो कैसा, 10 कदम चला नहीं कि पूरा पसीने पसीने हो गया। देख लो रास्ते का कंडीशन। हमारा एरिया जिस तरफ पड़ता है वो अभी फिलहाल तो कंस्ट्रक्शंस वाला है। रोड यहाँ के अभी सही नहीं है। पैदल चलने में तो हालत ख़राब हो रहा है, पर कोई नहीं, वहाँ मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है बाइक लेकर। ये है हमारे कॉलोनी का मंदिर। चलो दोस्त, चलो शंकर भाई, चलो चलो। ये हम लोग चल दिए। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। गाड़ी में नहीं यार, हवा कम है।
मनाली मोड़, और वो जो सामने आप फ्लाई ओवर देख रहे हैं वो नया हाल ही में उद्घाटन उसका हुआ है, नाम है अटल पथ। आप लोगों को पटना का म्यूजियम दिखाता हूँ। ये रहा वो ब्राउन कलर वाला, पटना म्यूजियम। पटना हाई कोर्ट ये रहा, इनकम टैक्स चौराहा। इधर आप लोग कृष्णपुर की ओर जा सकते हैं, ये रहा सामने डाक बंगला जाने वाला रास्ता। सारा मंडल देखिए, प्लेनेटेरियम पटना का, ये हो गया रेड बस। इधर से आप लोग गांधी मैदान जा सकते हैं, ये है पटना का वन ऑफ द फेमस प्लेस मौर्य लोग। इधर आप लोग पटना जंक्शन जा सकते हैं, और ये पटना का वन प्लाजा मॉल, और हम लोग को इसी बिल्डिंग में काम है, सामने देख रहे हैं। इस बिल्डिंग का नाम है हरि निवास। ये है वो बिल्डिंग हरि निवास, जिसमें हजारों फोन्स के दुकान आपको मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा।
नीचे का सब देखो मोबाइल से गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं यार, बहुत गर्मी कर रखा है। धन्यवाद। मार्केट से आने में थोड़ी देर हो गया है और गर्मी तो यार कुछ हो ही मत, थोड़ा आराम करना है। आराम करने के बाद थोड़ा खाना खाऊंगा। फिलहाल खाने में क्या है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आज फिर से खाने में क्या है, ये रहा नेनुआ का सब्जी, जिसे हम लोग के आम भाषा में परोर बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये चावल, ये भुजिया और ये दाल। खाना खाने के बाद फिर से आप लोगों से मिलता हूँ। शाम का टाइम है और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी। ये देखिए आज का मौसम। बादल तो आ रहे हैं, छाए हुए तो हैं, बूंदाबांदी हुई है। गर्मी यार फिर भी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ी देर बारिश हुई और फिर से वही हाल गर्मी का। शाम के 6:30 तो हो गए हैं। के लिए पंखे से दूर हटो कि पूरा पसीना से भीग जा रहा है इंसान, इतना हद गर्मी कर रखा है यार कि। थोड़ी देर में तैयार होकर आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल तो मैं रेडी हो गया हूँ, रास्ते में जाते वक्त तो मैं नहीं दिखा। आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं हूँ कुणाल कुमार, मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग्स में।